करना अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स, और टेक्निकल स्किल्स में जो जो सॉफ्टवेयर आते हैं केवल नाम नहीं बताना है, उसके अंदर का काम बताना है, ठीक है। लाइक जस्ट व्हेन यू जस्ट मेंशन लाइक ऑटो कैड, यू कैन से जस्ट आई नो द ऑटो कैड, इन ऑटो कैड आई नो द 2D 3D एज वेल एज 3D एंड प्लानिंग सेक्शन एलिवेशंस। ऑल्सो वी नो हाउ टू लाइक हाउ टू क्रिएट द प्लान बाई द वास्तु रूल्स, जरूरी नहीं कि आप इसको हाईलाइट करो, मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ। ऐसे बताना है कि आपने जो ऑटो कैड सीखा हुआ है दैट इज लाइक समथिंग डिटेल। When it's, I just go through with Stat Pro, so now in Stat Pro I know about wind load, I know about seismic load, how to calculate the manually seismic load, manually wind pressures, that things. Also I know the types of shear wall and like which type of shear wall where we can use, that all things. मतलब internship को इतना highlight करना है, इतना highlight करना है कि सामने वाली company की जो requirement है उसी के अंदर आ जाए, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो कि हमारा जितना experience है वो जब तक आप इंट्रोडक्शन में अपने ऐड नहीं करोगे तो वो इंट्रोडक्शन, वो एक्सपीरियंस किस काम का, वो फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना। एक्सपीरियंस इन द सेंस जो 4 महीने में सीखा है उसको इंट्रोडक्शन में डालना है, ठीक है। और ये जिसने कर लिया, ठीक है, डेफिनेटली समझो कि उसको सिलेक्शन का चांस मिल जाएगा बड़ा, ठीक है। तो कोशिश करना, सपोज उस कंपनी सामने वाली कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, सामने वाली कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि IS कोड, ठीक है। तुम बस पढ़ रखे हो ना, सामने वाली कंपनी में IS कोड की रिक्वायरमेंट है, तुम बोल सकते हो कि आई हैव डन माय स्टैट प्रो विद IS कोड्स, एंड इन IS कोड वी मेनली वी यूज IS 456, IS 875 ऑल पार्ट्स एंड IS 1893। तुमने 3 बार उसको IS कर दिया, तो क्या हो गया, सामने लगा यार मेरे को तो IS कोड की जरूरत है और इसको आता है, ठीक है। तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ अर्जुन ओनली। अर्जुन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अर्जुन हेलो, अर्जुन आर यू ऑडिबल? चलो अभी शायद वो ऑडिबल नहीं है, लेट्स सी। ओके, नाउ कम विद पंकज। पंकज आवाज आ रही है? यस सर। ओके पंकज, ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल इन ब्रीफ। माय नेम इज पंकज सिंह। आवाज आ रहा है मेरा सर? यस यस परफेक्ट। वो एक लाइन और बोल देना, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटीज टू लाइक इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। ओके उसके बाद स्टार्ट करना, और अच्छा हो जाता है प्रश्न। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज पंकज सिंह। आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार डिस्ट्रिक्ट। हम गलत बोल दिए, फिर से स्टार्ट करता हूँ एक बार, ठीक है? ओके ओके दोस्तों, यू कैन टेक 2-3 टाइम्स बट ट्राई टू गिव द योर परफेक्शन। ओके नहीं, इस बार सही होगा। गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज पंकज सिंह। आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। करंटली आई एम लिविंग इन लक्ष्मी नगर। आई डिड माय ग्रेजुएशन इन 2015 इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम MDU यूनिवर्सिटी। करंटली आई एम परसुइंग माय इंटर्नशिप इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग profession. In this internship, I have learned AutoCAD, ETAP, CAD, SAFE softwares. In AutoCAD, I have learned to draw 2D plans and section and elevation of drawing and detailing of rebars. Where in StatPro, I have learned about how can I design a structure like beam, column, slab, footing. Different kinds of footing like combined footing, isolated footing, draft footing, pile footing. In StatPro, we also learn how to design a structure in which there are lots of technical concepts are using like IS code. In IS code, I have learned IS 456 2000 for reinforcement and concrete. IS 800 2008, I think. It's for steel. IS 2007. It's for steel structure. IS 875 Part 1, 2, and 3. It's for dead load, dead life, and wind load. For IS 1896 2016 for seismic, and 1894 for seismic, and IS 1320. 90. It is used for detailing of rebar, and SP 34. It is also used for detailing of rebar.
In StatPro, we also learn about response spectrum analysis, static and dynamic analysis also. In static analysis, we learn for a structure where its height up to the less than to 40 meters, where we use static analysis. And for dynamics, we go for where structural height is above 40 meters. And in ETABS, same process, same concept we have learned in ETABS, but basically it is used for tall high-rise building. And after that, we learn in safe software. In safe software, we have learned about how to design slab, footing of a building, different kinds of footing like combined, isolated, pile, raft, etc. Great, very good. Now see, like your normal introduction and this introductions, this is weighted in introduction, right? Yes, sir. Yes, sir. It includes everything. Yes. When you just say I know StatPro, there are many members for interview who know StatPro. What different you have? So this is the different things. One of our students just explain about all about just internship only. What I did in internship that he included in introductions and he was selected there. So that's why I'm just trying to say whatever important topics you know, because you already have a list important topics. So try to that it's like if that is useful for that company. सपोज तुम्हें जिस कंपनी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो वहां पर इसकी जरूरत नहीं है, जिस टॉपिक की उसको मत ऐड करो. जैसे एक लड़का भी इंट्रोडक्शन में दे रहा था बीआईएम के बैच में, ही वाज जस्ट टेलिंग अबाउट द टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स. मैंने कहा उसके बारे में मत करो एक्सप्लेन, उसके बारे में करो जो आपके कंपनी को रिक्वायर्ड हो ना, मतलब सामने वाली कंपनी को रिक्वायर्ड हो वो टॉपिक्स को ऐड करो. जैसे तुमने ऐड किया डक्ट पिडल्टा इफेक्ट, डायनेमिक एनालिसिस, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. वेरी गुड. Now come with again next is what are your strength? My strength are I am a quick learner, self-motivated person, and I always try to learn new things and try to be a disciplined guy. Very good. What is structure engineering? Last question problem. In structural engineering, basically it is a base of any structure. Like in structure engineer, we have to analyze the structure first, what kind of structure we are going to construct. In that, we have to check different kinds of things, like where we are going to construct our site, like weather condition, height condition, and soil condition. After that, we have to design according to it, where we are designing like footing, beam, column, slab. In this type of structure, we're designing it in structure engineering. Okay, but you don't touch the hardcore structures. Like structure is what? Structure is the mathematical calculations of any Yes. structures of any buildings. तो क्या है मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होता है उसी को स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बोलते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं, वी जस्ट कैलकुलेट द सेस्मिक वेट, वी जस्ट कैलकुलेट और कैलकुलेट द विंड प्रेशर्स. तो मीन्स क्या है, कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स का जो कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग. तो आपको ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ऐसे, क्योंकि देखो सीधे सीधे नॉर्मल सामने लोग क्वेश्चंस एचआर अगर पूछे तो एचआर को तो नहीं पता है ना किस प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने आए हो ना. ठीक है, इन इन लाइक दिल्ली देर वॉज अ कंपनी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट इन नोएडा देर वॉज कंपनी हु जस्ट आस्क्ड मी व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग्स. ठीक है, आई वॉज प्रिपेयर एवरीथिंग, आई वॉज प्रेशर, आई वॉज प्रिपेयरिंग एवरीथिंग. कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, जितने यूट्यूब पे तुम लोग वीडियोज देखते हो, मैंने भी देखे थे, पर मैं यूट्यूब नहीं देखे थे, मैंने किताब देखी. यूट्यूब का डाटा बहुत खर्चा महंगा पड़ता था, तो मैंने कहा यार पूछा इसने एक, और उसने भी लास्ट में बोला व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन. तो फिर मुझे याद आया मैंने साइंस की डिफिनेशन याद की थी, उस हिसाब से मैंने सेट किया सिविल इंजीनियरिंग डील विथ, उसके बाद सारे सेक्टर्स को गिनाए. तो मैंने बताया तो दिया उसको, लेकिन अब देखो कि हम जिस चीज के बारे में तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में हमको वो क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, वेरी गुड जी अंकज, दैट्स इट. बस आई जस्ट वांट टू नो व्हाट योर इंट्रोडक्शन, दैट्स इट. नाउ देखते हैं सुरेश कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं. सुरेश सुरेश, हेलो सर, अरे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. यस सुरेश, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. As you know, my name is Suresh Teli. I am from Rajsamand. I have done my schooling from Jawaharnavodaya Vidyalaya, and after that, I have completed my BTech from
from Rajasthan Technical University, Kota, 2018. After college, I worked 3 years in BNRJ Build Group in Udaipur as a site engineer. And from last 1 year, Last 1 year, I am doing work in Nitya Sharma Design Studio. Okay. In Udaipur as a structure engineer. Okay. And I'm doing internship from Unix Civil Institute. Okay. What are you doing What are your works, job responsibilities you're in company? Sir, in my company, my job responsibility are designing buildings and first of all load calculation and then analyze and design structures. If you are a structure engineer, then why you are doing the internship in structure engineering? If anyone asks, what's your answer? For skills and more knowledge. For learning more skills, more knowledge. Right now I'm using the only stat, you can say like this, right now I'm using the stat pro only, but I thought I can enhance more in ETABS as well as in CFA and other softwares, right? कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा. अभी तुम्हारे इंट्रोडक्शन वो दम नहीं आया है, ठीक है? तुम्हें खुद पता है ना? Yes. ठीक, इंट्रोडक्शन को हमको इतना बेहतर बनाना है कि सामने वाला हमारे, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन फर्स्ट राउंड है, मतलब कि वो तो एक तरीके से तुम्हारा फर्स्ट फेज है. इफ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वेल, तो देखो बल्कि इनका लाइक पंकज का आपने देखा होगा, काफी बेहतर, काफी चीजें कवर कर लिया था ना इन्होंने. तो मुझे सिर्फ रिलाई, मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सोचना, ठीक है? मेरा नहीं, काम, नहीं, सर, सही कह रहे. मेरा काम है जस्ट तुमको आईना दिखाना कि यार अभी देखो यहाँ पर हमें काम करना बचा हुआ है हमारा, ठीक है? क्योंकि वी आर नियर टू फिनिश द इंटर्नशिप, तो हमें ये जो जो जगह पे वीकनेस है हम उसको ठीक कर लेंगे. What's your pass out year? 2018. Just explain, after 18 what you did? College, I work 3 years in BNRJ Build Group as a site engineer. Okay. And then after, from last 1 year, I'm doing work in Nitya Sharma Design Studio as a structure engineer. Okay. Why you want to left your current company? Why you want to came in my company? Uchagine company? Yes, sir. अब तुम्हारा आंसर प्रिपेयर नहीं है, फंस गए तुम. यस सर. ठीक है, बिकॉज ऑफ माय नीड्स, आई नीड लाइक व्हाट सैलरी दे ऑफर्स, दैट इज नॉट फुलफिल माय क्राइटेरिया, माय फैमिली क्राइटेरिया, दैट्स व्हाई आई वांट सैलरी हाइक्स. ठीक है. यस. तो अब कोई लोग क्या बोल देंगे, जिसको नहीं पता हो क्या बोलेंगे, द वर्क कल्चर इज वेरी पुअर. ठीक है, ऐसे मतलब कि उस कंपनी की बुराई करने लगेंगे. तो द टाइमिंग इज वेरी लाइक हैटिक्स, आई कांट वर्क इन दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वर्स. तो ऐसे कुछ नहीं बोलना, किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करनी. ठीक. और तुम्हें क्या बताना है कि ड्यू टू माई पर्सनल इशूज लाइक वॉट सैलरी दे ऑफर्स, दैट इज वेरी लेस फॉर माई कंप्लीटेड माई फुलफिल माई रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, ये जेन्युइन रीजन है. ठीक है, अगर हमको क्या बोलते हैं, दुकान पे सामान क्यों नहीं खरीद रहे, क्योंकि डीमार्ट में सस्ता मिल रहा है, जेन्युइन रीजन है. गॉट इट. तो इसमें तुमसे क्वेश्चन, अभी मैं समझ गया तुमने, तुमको घुमाना तो मैं चाहूँ तो घुमा दूँ और, लेकिन अभी तुमको नहीं घुमाऊंगा, तुम अभी प्रिपेयर नहीं किए चार क्वेश्चन. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे सामने वाला पूछ सकता है कि हाउ मच सैलरी हाइक यू वॉन्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम नेक्स्ट क्या बोलते हैं, तुम्हारा आंसर क्या होगा बताओ. What salary hike you want? 25,000 plus whatever your present, ठीक है, तुम्हारा जो भी present है, you can say कि I want from my present salary to 30% hike. Okay. For how long you will be commit for our company? इसका answer क्या बोलोगे? एक दिन पढ़ने पंकज को ऐसे घुमाया था वो ढेर सारा. कमिट तो सर अभी कैसे नहीं, हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू कमिट
टू स्टे इन आवर कंपनी, कितने साल के लिए तुम मेरी कंपनी में स्टे कर सकते हो, क्या आंसर करोगे? ठीक है, प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, इन क्वेश्चंस के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो, कल मैं तुम्हारा मॉक में फिर से लूंगा। ठीक है, इसी तरीके घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछूंगा और उन क्वेश्चंस को कोशिश करना कि अच्छे से अच्छा आंसर करो। और सबसे पहली चीज, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को एक पूरा का पूरा पेज भर के अच्छे से तैयार कर लो। ओके ठीक है, जिससे कि इंट्रोडक्शन तो उतना तुम्हारे पास होना चाहिए कि जब तक मैं ना बोलूँ ओके तब तक तुम उसको फैलाते जाओ फैलाते जाओ फैलाते जाओ। मैं मुझे भी लगेगा ना यार बस करो, ठीक है समझ गया तुमको आता है, ऐसा मुझे महसूस होना चाहिए। मतलब पहला ही क्राइटेरिया तुम पास कि भैया इसको बहुत आता है। गॉट इट? ओके ओके। नाउ अर्जुन, आवाज आ रही है क्या तुम्हें? आई थिंक उसको आवाज नहीं जा रही, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी हमने सुरेश आपको वर्क करने की जरूरत है, इसलिए हमने आपको रेटिंग सिर्फ 5 दिया है, क्योंकि अभी आपके एचआर के, मुझे पता है आप टेक्निकली आंसर कर लोगे, लेकिन जब सामने वाले को प्रेजेंट ही नहीं कर पाए तो टेक्निकल आने का नंबर ही नहीं मिलता ना, तो उसको ठीक करो। बाकी पंकज को 7 था, ही इज लाइक इनका अच्छा है, और इन उन्होंने भी अगर एचआर क्वेश्चंस को घुमा के किया तो, क्योंकि इन पंकज तुमसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं इंटरव्यू क्लोज कर दिया, जस्ट प्रश्न बता रहा हूँ, तुमसे ढेर सारे क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी फेस भी किए होंगे, तुमने इस ईयर पास आउट हुए तो तुम इतने दिन तक क्या कर रहे थे। ठीक है ओके, तो जो एग्जाम क्वालिफाई किए क्या उनके कुछ सर्टिफिकेशंस तुम्हारे पास हैं, ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कई ढेर सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा शायद 16 पास आउट है ना पंकज? यस सर। हाँ, तो तुमसे पूछ सकते हैं कि व्हाट यू डिड आफ्टर 16, जैसे मैंने सुरेश से पूछा, तो तुम बोलोगे कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो अब गवर्नमेंट एग्जाम में तुमसे बोलेंगे कि लाइक विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स यू प्रिपेयर फॉर। ठीक है, तो कई लोग बहुत उल्टा सीधा आंसर देते हैं, पता क्या बोलते हैं, SSC बैंक PO। ठीक है, सबसे गंदा आंसर है, कभी मत देना, या फिर तुम नहीं दोगे मुझे पता है, बट बाकी लोग जो भी इस वीडियो को भी देखेंगे उनको भी, अब तुम SSC बैंक PO का तुम एग्जाम दे रहे थे, मतलब तुम क्या हो गए, तुम नॉन टेक्निकल गाय हो गए। दे रहे तो अलग बात है, पेपर देना गलत बात नहीं है, तुम नॉन टेक्निकल गाय हो गए। अब मुझे तुमको रखने में कोई फायदा नहीं, एटलीस्ट ये बोले होते कि SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहा था, AE की कर रहा था, ES का कर रहा था, गेट की कर रहा था, दैट इज गुड एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, अगर तुमने गेट क्वालिफाई किया हुआ है तो बहुत अच्छा आंसर बन सकता है क्या, कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गेट, टेक्निकल चीज है, वहां पर कवर कर सकते हो, अपना 2 साल भी कवर करना हुआ तो कर सकते हो। और फर्स्ट जो कंपनी होती है इसमें ही केवल फोकस करना है, एक बार हो गया ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत तब होगी जब आगे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी सुरेश को जॉब लगना इतना आसान है कि उतना लो जॉब लगना ना अर्जुन को है ना पंकज को है, लेकिन अब सुरेश उसको कैसे मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं ये इनके ऊपर है। रीजन, अब पंकज तुम खुद समझो कि क्या है ये, ऑलरेडी इसका प्रोफाइल क्या है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब ये अगर सही से एक्सप्लेन कर दे, ये सेलेक्ट हो जाएगा किसी भी बड़ी कंपनी में। ठीक है, बस इसको हाई तुरंत मिल जाएगी। लेकिन अभी तो जैसे कि अर्जुन के साथ क्या, अभी अर्जुन साइट इंजीनियर थे, तो इनको भी बताने में थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को, पंकज को भी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि मेरा करियर गैप ऐसे ऐसे मैंने मेंटेन किया। तो अब हमें इसी चीज़ पे काम करना है कि अपने इंट्रोडक्शंस को कितना बेहतर बना लें। सुरेश, हम कल तुम्हारा फिर से मॉक लेंगे, ठीक है, प्रिपेयर करना किस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। एक 80 क्वेश्चन का मैंने सेट दिया था, याद है क्या, जब ऑटो कैड? हाँ, राउंड के। हाँ, और आई थिंक वो सफिशियंट है, उसके बाहर से तो मैंने कुछ पूछा नहीं और किसी ने भी नहीं पूछा होगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन पर्याप्त है, उसी 80 क्वेश्चन को घुमा घुमा के एक बार पढ़ डालो कि हमसे ये पूछा तो मैं क्या आंसर करूंगा। और अगर प्रिपेयर रहोगे पहले से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम बोल दोगे, बस एक बार रेडी रहो पहले से, तुम्हें पता है ना कि मेरे पास अटैक होने वाला है गोली से, तुम बंदूक लेके बैठे हुए हो, कोई दिक्कत नहीं, धाक दी फिर से। ठीक है ओके। हाँ पंकज, बोल रहे कुछ? सर, रैबिट का भी पोर्टफोलियो बनाना है क्या? अगर तुम चाहते हो कि रैबिट मेरे करियर में ऐड रहे, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो बनाओ। ठीक है, जो पोर्टफोलियो बना हुआ है स्ट्रक्चर्स का उसको रहने दो, एक उसी में नीचे रैबिट्स ऐड कर दो। ठीक है, उसको उस कंपनी में शेयर करना जिस कंपनी में उसकी रिक्वायरमेंट हो, जिस कंपनी में रैबिट पे काम होता हो। ठीक है, और एक एक तीसरा रिज्यूम बना, क्योंकि देखो रेंडर तो कर ही रहे हो। ठीक है, एक तीसरा रिज्यूम बनवाना बनाना जिसके अंदर ऑटोकैड और रैबिट केवल ऐड करना। ठीक है, उसको कहाँ पर यूज करना है, जहां पर केवल रैबिट मॉड्यूलर की जरूरत हो, 3D मॉड्यूलर की जरूरत हो।
ठीक है ठीक है। तो तीनों तरह के रिज्यूम रहेंगे, जहां पर जैसे हमें रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से हम उसको कवर कर देंगे। स्ट्रक्चर्स के भी उसी में इंक्लूड कर देना, स्ट्रक्चर्स जैसे के भी उसी में रिपोर्ट इंक्लूड कर वगैरह। करें अच्छा सर जी, स्लैब टू वे स्लैब में जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कराते हैं, सेम प्रोसेस है ना करने का, हाँ जैसा जो हम लोग बार देते हैं उसमें ड्रॉ करते हैं, हाँ वैसे ही करना है। तो ठीक है, मतलब स्लैब के लिए भी कोई ऑटोमेशन है क्या उसमें, या उसको खुद से करना पड़ता है? किस में, रैबिट में? हाँ रैबिट में नहीं, नेविगेट। उसमें नहीं, रैबिट में नहीं है, नेविगेट में तो स्लैब का है ही नहीं ना। ठीक है, हाँ उसके प्लगइन अलग आते हैं। एक्चुअली नेविगेट जो है वो हमारे इंडिया का प्लगइन नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑटोडेस्क का प्लगइन है, वो पेड है। जो ऑटोडेस्क का रेनफोर्समेंट प्लगइन है वो पेड है, इसकी वजह से अब उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने तुमको नेविगेट दे दिया प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें अपने स्टैंडर्ड्स हैं नहीं पूरे। तो हमें किस पे ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब नेवी वर्क में या जो डॉट डायरेक्ट स्केच वाला है वो? दोनों कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी कंपनी में गए तो मैक्स पॉसिबिलिटीज है कि उनके पास ऑटोडेस्क का रेनफोर्समेंट का क्या बोलते हैं पेड वर्जन रहेगा। अच्छा ठीक है, तो फिलहाल वो ठीक है। जनरली करते क्या है कि वो मतलब पेड वर्जन है तो दे ही देते हैं कि भाई चलो इससे कर लो, नहीं है तो ड्रॉ करना भी अगर आता है तो बेहतर है। और ड्रॉ ज़्यादा कुछ नहीं करवाएंगे, सिर्फ एक स्लैब पर, एक बीम पर, एक कॉलम पर एनफोर्समेंट डलवाएंगे बस। ठीक ठीक है, है ठीक इतना ही, क्यों से ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर नहीं पूछते हैं। ठीक है, है चले, क्योंकि उनको जी पता है ना कि ऑटोकैड में तो तुमको पता ही है, बस उसी को 3D में कन्वर्ट कर रहे हो तुम। जी ठीक है सुरेश, उसको तुम अच्छे से करो, तुम्हारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी सुरेश वीक पड़ रहा है, HR क्वेश्चंस को रेडी कर लो, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और क्या बोलते हैं, मैंने वो मैनुअल का पूरा डाटा भेज दिया है, रिज्यूमे को लगे तो एक बार और अच्छे से सुरेश तुम अपना अपडेट कर लेना। पंकज का सही है, मैंने देखा हुआ है, पंकज का पोर्टफोलियो अच्छा है। मुझे तुम दोनों को कहीं ना कहीं सेलेक्ट करवाना है, मैं बहुत सर्च कर रहा था जॉब, पर मुझे वो इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं। एक क्या बोलते हैं, अभी जिसमें ये बताया हुआ है अर्जुन, पूछता हूँ इससे कि कौन सी ओपनिंग है, गाजियाबाद की है। तो पंकज तुम अप्लाई कर दे, तुम्हारे नियर बाई पड़ेगा ना। ठीक है, जी सर मैं कोशिश करता हूँ कि एक दो और ओपनिंग्स, और तुम लोग खुद से भी सर्च करो। ठीक है, मैं तो सर्च कर ही रहा हूँ। ठीक है, मैं तो मैं हर दिन ट्राई करता हूँ सर, मतलब मैं तो भेजते रहता हूँ रिज्यूमे, जहाँ मतलब इंडीड पे जहाँ आया वो, फिर उस कंपनी को अलग से सर्च करके उसके मेल आईडी में जाके वहां भी भेज देता हूँ मैं। ठीक, और उस कंपनी के लाइक इम्प्लॉइज को सर्च कर लेना लिंक्डइन से कि कौन कौन इम्प्लॉई है, उसको भी रेफरेंस दे देना। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैं किसी कंपनी में इम्प्लॉय हूँ, तुमने मुझे मैसेज किया, मैंने लिंक्डइन देख लिया, मैंने कहा यार फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, अगर सेलेक्ट हो गया 5,000 रुपये मुझे मिल जाएगा रेफरल इनकम, जी समझ गए। तो उस कंपनी के एम्प्लॉय को भी सर्च कर लेना लिंक्डइन से, जो है उनको कनेक्ट भेज देना, अगर वो कनेक्ट होते हैं उनको भेज देने का कि भाई आपके यहाँ पर ओपनिंग चल रही है, अगर आप हमारे हमारी CV को फॉरवर्ड कर देते हैं आई विल बी ग्रेटफुल। सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है, वो फॉरवर्ड ही तो करना है। सर एक और बात सर, आप हाँ, स्टील वाला कब लेके आ रहे हो वो? कौन सा है वो PB का, क्या नहीं पीवी का, नहीं पीवी का तो आपका कोर्स है स्टील में, अलग से डिजाइनिंग का जो आप बता रहे थे, हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे। मैंने एक्चुअली मैं स्टील प्लस PB दोनों मिक्स लेके आने की सोच रहा हूँ। ठीक है, दोनों का मिक्स रहेगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी ना ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो PB पर वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि दोनों मिक्स रहेगा, और इसको डिटेल जैसे कि जो PB का जो अपना वीडियो कोर्स है उसको तो मैं लाया हूँ, बट वो कैसे, वो 1 month वाला है। ठीक है, ये 4 महीने का अगर हो गया ना, मतलब अलग ही लेवल पर चला जाएगा, वैसा अभी तक इंडिया में तो कोई काम है ना हो इस। जाएगा सर सही में, हाँ मतलब पता है क्या, स्टील में कहीं पे भी नहीं है, आप कहीं कहीं पे पे नहीं, नॉलेज नहीं मिल रहा, आप हाँ कोई नहीं सिखा रहा सही कोई में, नहीं सीख, लिटरली बताऊंगा आपको, हाँ तो रैम का कोई है उसमें, उसी में सिखाते हैं उसको। सर आप किस में पढ़ाओगे उसको, उसी में? ठीक है, मैं एक पूरा गुरुकुल बनाऊंगा इसका, न्यू ईयर पे मैंने प्लान किया हुआ है लॉन्च करने के लिए, स्टील का पूरा गुरुकुल बनाऊंगा मैं। जैसे PEB का अपना चल रहा है, सॉरी BIM का चल रहा है, स्ट्रक्चर का चल रहा है ना, वैसे ही स्टील स्ट्रक्चर्स का एक गुरुकुल बनाऊंगा, जिसके अंदर PEB कन्वेंशनल, और साथ ही साथ मेरा प्लान और भी थोड़े से हैं, जैसे कि स्टेडियम है, एयरपोर्ट के हैंगर्स हैं, इनको ठीक है, मतलब इनपे डिटेल पूरा ना, हार्ड डिटेल। मतलब बेसिक टू हार्ड लेवल पूरा। हाँ, तो ऐसा इसीलिए मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं उसके लिए रेडी भी कर रहा हूँ कुछ कंटेंट। तो अगर ऐसा, मैं देखो कैसे होता है कि जैसे हमें ऑल इन वन है, इतना सक्सेसफुली रन कर रहा है आज के टाइम पे भी, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। रीजन क्या है कि मेहनत लगा है, 250 घंटे बने हुए हैं, पर उस फी में इतनी इतना कुछ मिल जा रहा है कि लोग खुद ही बोलते हैं, और वही फी उतना ही रखेंगे जैसे कि लोगों की इजी रहे, और उसी हिसाब से करके मैं PEB का भी सोच रहा हूँ, स्टील का सोच रहा हूँ। तो स्टील में PEB भी लाऊंगा और कन्वेंशनल भी लाऊंगा, और मेरा मन है कि स्टील की बिल्डिंग्स भी हों। ठीक है, जैसे कि अभी तुम देखते हो कि नोएडा में बहुत ढेर सारे बिल्डिंग स्टील के बने हुए हैं। हाँ सर बन रहा है, वहाँ देखे हैं, पूरा स्टील फ्रेमिंग ही है सर पूरा का पूरा वो। हाँ,
तो उसके लिए मैंने कुछ प्लान भी मंगवाए हुए हैं, तो अभी उनको रेडी करके और उस पर अगर वर्क हो गया तो एक तरीके से हो जाएगा कि वो लाइफ टाइम मतलब एटलीस्ट 10 साल तो उस टक्कर पे कुछ नहीं रहेगा। तो जी अपने जी को ऐसे ही करना चाहिए कोई चीज़ कि स्ट्रक्चर जो भी करो थोड़ा 10 साल 15 साल के लिए हो जाए। तुम पहले अभी जॉब ले लो, अभी मत करो क्योंकि अभी तुमको क्या बोलते हैं पहले फोकस जॉब पे होना चाहिए। हाँ, मैं अभी नहीं कर रहा था, अभी तो मेरा फर्स्ट वही है, प्रायोरिटी वही है, बहुत जरूरी भी है, अभी नहीं, मैं ये तुम्हारे लिए बहुत खुद सर्च कर इम्पोर्टेंट रहा हूँ, बिलीव करो, क्योंकि जो जो अच्छा परफॉर्म करते हैं मैं सोचता हूँ उनका हो जाए। ठीक है, मैं जैसे कुछ होता है मैं तुमको इन्फॉर्म करता हूँ। अभी जाओ प्रैक्टिस करो जितना हो सके, ईटीएप पर प्रैक्टिस करो, स्टैट को रिवीजन करो, ठीक है, क्योंकि बाकी तो तुम्हारा रेडी ही है सब कुछ। ठीक है, है। चलो ठीक है।